बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी उमर फ्रॉम कार मास्टर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में। बाकी तमाम थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, ट्रक और बसेस की पॉलिसी जो है वो जून में मंजूर कर दी गई थी। फोर व्हीलर्स की पॉलिसी जो है वो बनानी बाकी थी और उसको मंजूर नहीं था किया गया। और रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि फोर व्हीलर यानी कि गाड़ियों की पॉलिसी को भी बना दिया गया है और उनमें क्या क्या शराइत रखी गई हैं, कौन कौन से टैक्सेस हमें नहीं देना पड़ेंगे, बहुत सारी हमें फैसिलिटीज दी गई हैं इस पॉलिसी के अंदर आवाम को। तो सारी पॉलिसी की जितनी भी फैसिलिटीज हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो दूसरी गाड़ियाँ लेने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज्यादा सस्ती होने वाली हैं। जी हाँ, तो हम बात करें पॉलिसी के बारे में, तो सीकेडी यूनिट्स के ऊपर 1% टैक्स लगाया गया है, वो भी कस्टम ड्यूटी होगी जो कि 1% देनी होगी। अगर आप लाख रुपए की चीज़ ले रहे हैं तो आपको 1000 रुपये उसके ऊपर देना होंगे कस्टम ड्यूटी के तौर पे, बाकी कोई भी ड्यूटी गाड़ी के ऊपर नहीं लगेगी। इसी तरह से CBU यूनिट्स जो हैं, जो कि कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट, पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पर लाई जाएगी, उस पर 25% टैक्स लगाया गया है। अगर आप 1 लाख की चीज़ ले रहे हैं तो उसके ऊपर 25,000 रुपये आपको कस्टम ड्यूटी देना होगी और बाकी कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई गई। इसी तरह से कोई भी प्लांट या मशीनरी फोर व्हीलर्स के लिए इम्पोर्ट करता है बाहर से, तो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स हैं उसके लिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो बाहर कीमत मिलेगी उसी के ऊपर आप पाकिस्तान में उनको ला सकते हैं। और अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर 100 CBU यूनिट्स मंगवाती है कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट, तो उसके ऊपर उनको 50% कम कर दिया जाएगा। यानी अगर 1 CBU यूनिट पे 25% लिया जा रहा है तो 25% की हाफ कस्टम ड्यूटी ली जाएगी, जो कि 12.5% बनती है। 1% कस्टम ड्यूटी ऑन EV चार्जर, तो इन गाड़ियों के जो चार्जर हैं उनमें फास्ट चार्जर्स भी होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है और सिर्फ 1% ड्यूटी लगाई गई है। किसी किस्म की भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिनमें आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह, टोकन टैक्स वगैरह हैं, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है, वो भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से 50% इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर टैक्स लिया जाएगा टोल प्लाजा पे, और अगर आपका 100 रुपया टैक्स बन रहा है आप 50 रुपये देंगे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जा रहे हैं। और ये भी न्यूज़ आ रही है कि आप 0% कार फाइनेंसी के ऊपर बैंक से गाड़ी को किस्तों पे ले सकते हैं, जो कि आप पूरे पैसों में लेंगे, आपको 1 रुपया भी ऊपर 0% उस पर इंटरेस्ट देना होगा। ये सारी ड्यूटीज़ जून 30, 2026 तक हैं, उसके बाद पॉलिसी में भी चेंज कर दी जाए और मे भी यही रखी जाए। इसी दौरान जावेद अफरीदी की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने अपना पुराना ट्वीट ही दोबारा उसको शेयर किया है जिसको मंजूर कर लिया गया है। नो टोल टैक्स, नो कार रजिस्ट्रेशन टोकन फी और कार फाइनेंसिंग ऑन 0% इंटरेस्ट रेट, चार्जिंग स्टेशन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग विद 0% इंटरेस्ट रेट, नो टैक्स चार्जिंग स्टेशन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मंजूर कर लिया गया है जावेद अफरीदी के मुताबिक, और पॉलिसी भी आ गई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर कोई पॉलिसी पढ़ना चाह रहा है। यानी कि इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दे दिए गए हैं आप लोगों को, तो क्या आप इन बेनिफिट्स के बाद गाड़ी खरीदेंगे या नहीं? क्योंकि सारी ड्यूटीज़ इस गाड़ी के ऊपर ख़त्म कर दी गई हैं और भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सीज में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि ये गाड़ियां पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम कीमत में आएंगी, ताकि जल्द से जल्द EV जो है वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट की जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद पाकिस्तान में बढ़े। और कारोबारी हजरात के लिए भी है कि जैसे कि CNG स्टेशन लगे थे, अब वैसे ही ये EV के स्टेशन लगेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं हाजिर हूँ एक बेहतर अच्छी वीडियो के साथ। दिस इज मी उमर साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।